ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नजर व न्याज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इकसाम के पकवान शहरियों को खिलाए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे सफदर अब्बास से, जो इस वक्त गुलबहार में मौजूद हैं। जी बताइएगा सफदर, वहाँ पर क्या मनाजिर है? पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से कराची भर में नज़्व न्याज का अहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलबहार में, जहाँ पर ज़बरदस्त जायकेदार बलोची बिरयानी खिलाई जा रही है। यहाँ के जो बानी हैं शहजाद साहब, उनसे जानते हैं कि बलोची बिरयानी का इंतखाब क्यों किया इन्होंने। तो बात यह है कि कोशिश की जाती है कि सरकार का लंगर को थोड़ा अच्छे से अच्छा हो, तो हमें लगता था कि ये थोड़ा मुनफरिद है, इसलिए हमने ये चॉइस किया बलोची बिरयानी का। क्या खास चीज़ है इस बिरयानी में? यही खास चीज़ ये है कि ये बलोची बिरयानी पाकिस्तान में यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं मिलती। कितनी देर के करते हैं, कब से कब तक सिलसिला जारी है ये? ये सुबह 8 बजे से सिलसिला जारी होता है लंगर बटने का, और शाम तक जारी रहता है, और बनना ये पूरी रात होता है। ये शहजाद, इन्होंने कहा, इनका कहना है कि बलोची बिरयानी का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि खास मखसूस बिरयानी है। पूरे साल लोग इस बिरयानी से महरूम रहते हैं, कमी खाने में आती है, लेकिन इनका मकसद ये है कि लोगों को सरकार दो आलम के नाम पर बेहतरीन खाना पेश किया जाए। इसी मकसद के तहत इनकी तरफ से यहाँ पर बलोची बिरयानी का अहतमाम किया गया, जो आज रात तक जारी रहेगा।